हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम व्हाइल लूप से स्टार पैटर्न कैसे बना सकते हैं। तो स्टार पैटर्न कौन सा बनाने वाला हम? ये वाला बनाने वाले हैं, ये वाला। आपको वाला स्टार पैटर्न पता हो सकता है, पता हो, ये मोस्ट कॉमन स्टार पैटर्न में से एक है। ठीक है, तो ये बन रहा है। अगर हमारा नंबर जो है वो नंबर मान लो तो एन है हमारा नंबर, अगर चार है तब ये बनेगा हमारा पैटर्न। तो सी प्रोग्राम लैंग्वेज में पहले अपना स्निपेट कोड डाल देता हूँ। स्निपेट कोड क्या है? ये बेसिकली वैसा कोड है कि मैं चाहता हूँ यार हो ही हमेशा एक प्रोग्राम में, क्योंकि यार मैं चाहता ही हूँ कि मैं को बेसिक फंक्शनैलिटी मिले, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio एच से क्या होगा कि प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसे बेसिक चीज़ें मेरे को मिल जाएगी। इंटरवेन ये तो पता होना चाहिए, अगर आपको स्टार पैटर्न बनाना हो तो आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड बना देता हूँ। मैं इनकी क्या वैल्यू दूँ, मैं एक काम करता हूँ उसको यूज़र इनपुट से दे देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ यूज़र इनपुट से। प्रिंट एफ एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ एन बैक सेशन डाल देता हूँ। स्कैन ऑफ करूँगा, परसेंटेज डी करूँगा और एड्रेस ऑफ एन दे दूँगा यहाँ पर मैं। तो हम वाइल लूप्स बनाने वाले हैं। तो वाइल बेस्ट जनरली मैं बता दूँ तो मैं जनरली फॉर लूप यूज़ करता हूँ। मोस्ट मैंने देखा भी यार कोई भी ट्यूटोरियल को बता रहा है तो वहाँ पर फॉर लूप यूज़ करते हैं, पर इन दिस केस हम वाइल लूप यूज़ करने वाले हैं। तो वाइल हमारा जो ये है, हम दो लूप से डबल लूप यूज़ करके नेस्टेड लूप कहते हैं, तो हम नेस्टेड लूप यूज़ करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम करना क्या है कि हम यहाँ दो वेरिएबल बनाने वाले हैं। इससे पहले हम दो वेरिएबल बना देते हैं, एक काम करते हैं उसको यहीं बना देते हैं। आई इक्वल्स टू वन और जे इक्वल्स टू वन। मैं दोनों को चाहता हूँ वैल्यू वन हो, और ये वन से लेकर जाए ये एन तक। एन क्या है यहाँ पर नंबर, चार तक जाए, 1 2 3 4। मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या कि एक और वाइल लूप लगाऊँगा यहाँ पर, करूँगा जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन। देखो जैसे वाइल हम उसमें करते हैं तो प्रिंट एफ करूँगा मैं स्टार। अभी मैंने गलत कोड नहीं लिखा है, मतलब मैंने खैर काम नहीं करने वाला कोड, मैंने अब तक इंक्रीमेंट ही नहीं करी, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा ही एक ही रहेगी, इसलिए इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो मैं बैक स्टेशन लगा देता हूँ। तो फिर मैं आपको बता दूँ कैसे काम कर रहा है। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे जे की वैल्यू मैं हमेशा वन कर दूँगा। मैं जे की वैल्यू हमेशा वन इसलिए कर दूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ जे की वैल्यू वन से ही इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो। और यहाँ पर जे प्लस प्लस कर देता हूँ और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देता हूँ। आई होप आई एम राइट। एंटर द वैल्यू ऑफ 9। तो इसने ओप्स, मैंने शायद से कुछ गलती कर दी। वैसे ये भी स्टार पैटर्न होता है, आपको नहीं पता हो तो ये वाला स्टार पैटर्न भी होता है। तो ओके, मेरे को यहाँ पे करना क्या था कि जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन, नहीं आई। मेरे को आपको बता दो मैंने करा क्या है यहाँ पर। देखो तो अभी काम कर रहा है, ठीक है। सो अब बड़े नंबर के लिए भी दे दो, काम करेगा ये। मैं आपको बता दूँ काम कैसे कर रहा है। देखो ये तो यूज़र इनपुट वाली चीज़ है, बहुत सिंपल है, और यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर करा है, ऊपर तो ऑब्वियसली कमेंट ही है। अब देखो हम यहाँ पर चाह रहे कंडीशन हमारी कि आई जो हमारा अवेलेबल है वन है, वो लेस देन इक्वल टू एन है। क्या है ये है एन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन हमारा मान लो तीन है। हाँ है यार भाई, ये तो हम एन जे पे हम वन वन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जे की हमेशा ना वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जे प्लस प्लस कर रहे हैं। हम चाहते हो वन से लेकर आई तक जाए, आई के बराबर तक जाए। ठीक है, तो हम जे को हमेशा वन कर देंगे स्टार्टिंग से ही। तो अभी तो खैर जे वन ही है, तो उससे अगर कोई इसका ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं लगने वाला। तो मैं आपको ड्राई रन टाइप करके दिखा देता हूँ। तो ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो पहले मैं तो देखो वन प्रिंट करने वाला, क्योंकि जे इज लेस देन इक्वल टू आई जब तक है तब तक ये स्टार प्रिंट करेगा। तो क्या अभी हमारा है, हमारे दोनों की वैल्यू वन है, दोनों की वैल्यू वन है इस टाइम पर। हाँ वही है, लेस देन है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू जरूर है। तो हाँ है, देखो स्टार प्रिंट करने वाला है और जे प्लस प्लस कर देगा ये। अब दो इज लेस देन इक्वल टू आई है, नहीं भाई ये नहीं है, तो प्रिंट बैक स्लेशन कर देगा। वह आप आई प्लस प्लस कर देगा, टू हो जाएगी वैल्यू। अब वापस देखेगा, टू इज लेस देन इक्वल टू एन, हाँ भाई है। अब इसने वापस जे को वन कर दिया, पहले हमारी वैल्यू थी टू, अब इसने वन कर दिया वापस। अब वन इज लेस देन इक्वल टू आई, आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर थ्री है, हाँ भाई है। चलो स्टार प्रिंट कर दो। अब इसने प्लस प्लस कर दी वैल्यू, दो हो गई वैल्यू। टू इज लेस देन इक्वल टू आई, हाँ भाई है,
कर दो इसको भी, हमारे डबल स्टार स्टार प्रिंट हो गए। अब हम जा रहे हैं वापस लूप के यहाँ पर, मैं तीन वैल्यू हो गई है तो ऐसे ही जाएगा ये, तीन इज लेस देन इक्वल टू एन। हाँ भैया, फिर अब यहाँ देखें कि जे को वैल्यू वन वन कर देगा वापस, क्योंकि हमारी दो वैल्यू थी, यहाँ पर हमको वापस एक करनी है, सॉरी तीन थी वैल्यू, हमको एक करनी है। अब यहाँ पर हमको करा क्या है कि वन या जे यहाँ पर क्या है, जे हमारा वन हो गया, लेस देन इक्वल टू आई, आई क्या है थ्री है, तो आई था भैया स्टार प्रिंट कर दो। अब इसके वैल्यू टू हो जाएगी, टू है, टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री है, हाँ भैया, थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री है, हाँ भैया, फोर इज लेस देन इक्वल टू थ्री है, नहीं है, तो बैक स्टेशन प्रिंट कर देगा और फिर आई प्लस प्लस कर देगा, बस दैट्स इट। फिर यहीं पर लूप ख़त्म कर देगा ये, क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स बन चुकी है। और देखो ये हमारा पैटर्न प्रिंट कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जो भी आप करते हो कर देना।